नमस्कार देवी और सज्जनों, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, दिन प्रतिदिन मैं आपको एक अच्छी खबर पहुंचाने का कोशिश करता हूं। आज इसी खबर के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान हनुमान के अंश माने जाते हैं कुछ लोग, जिस पर बजरंगबली श्री राम भक्त हनुमान की कृपा हमेशा बनी रहे। और कहते हैं कि इस कलयुग में ये लोग यदि कुछ समय के लिए भक्ति भाव से राम भक्त हनुमान की शरण में जाते हैं तो अवश्य हनुमान जी महाराज इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, छह नाम वाले के जीवन में अपार सुख और समृद्धि हनुमान जी के द्वारा मिलती है। सभी भक्त को हनुमान जी के द्वारा सुख संपन्नता प्रदान होती है, परंतु ये जो छह नाम वाले व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान शिव ने 12वें रुद्र अवतार में, जिनमें से हनुमान अवतार एक है, शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। उसी में से एकादशवें अवतार में हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ था। क्षत्रिय देवता है, अपनी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बड़े से बड़े संकट को भी हनुमान जी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने भक्तों पर तनिक मात्र भी समस्याओं को आने नहीं देते हैं। तो विशेष कृपा जो हनुमान जी महाराज की है, सर्वप्रथम च नाम वाले ल और अ, ये तीन हो गए, और जो तीन हो गए चौथा है त, न और य, इस पर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन व्यक्तियों पर ही कृपा क्यों है। दोस्तों, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल माना जाता है और मंगल हनुमान जी का कारक है। इन व्यक्ति पर मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है, हनुमान को इष्ट देव माना जाता है, इसलिए हनुमान जी की अंशता के रूप में इसको मैं व्याख्या कर रहा हूँ। दोस्तों, तो आज मैंने आपको बताया कि छह नाम वाले राशि पर भगवान हनुमान की कृपा बनी रहती है, इस प्रकार की खबरें मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, यदि यह खास जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।